कितनी अद्भुत बात कि आप इस हरिहर तीर्थ में भगवान परशुराम जी, भारत माता, निषाद राज, सबरी माता, ऐसा संयोग हमारा मानना है, ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही एक अध्याय है। मानो क्या राजा क्या प्रजा, और जो सनातनीय हिंदू जाति बात के नाम पर कट और बट रहे थे, उन हिंदुओं को एक जगह एक तीर्थ में सब मंदिरों में सभी के भगवानों के दर्शन होंगे, ये हिंदू राष्ट्र का ही नया अध्याय है। और ऐसे कामों से ही सनातन विरोधियों की बरेगी ठटरी, हलीउल्लाह वालों की बन जाएगी गठरी। ये जितने भी हलीउल्लाह वाले हैं, इनकी गठरी बनने का इंतजाम प्रॉपर हो रहा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी सीताराम। अब हम आपको क्या सुनाएं, आप पहले ही से सुने सुनाए बैठे, लेकिन फिर भी गुरु भाई की आज्ञा और गुरु जी की आज्ञा लगी कि जाओ मंच पर, हम यहीं बैठे बैठे सुनेंगे। गुरु जी आज पूरे दिन श्रम करते रहे, गुरुदेव भगवान एक तो आए हैं समय से, फिर भूमि पूजन में रहे, पूरे दिन का श्रम हो गया। एक बात बोले, अब आप लोगों का, हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे युग में जी रहे, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी युगों तक चर्चा चलेगी कि भारत में कोई एक ऐसे महापुरुष प्रकट हुए थे जिनके नयन जरूर नहीं थे, नेत्र जरूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने लाखों नेत्रों को भी चकाचौंध अपनी विद्वता से कर दिया था। राम मंदिर के मुद्दा में जब परम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान अदालत में जाकर ललकारे, तो विपक्ष वाले भी जो हते वे भी हाथ जोड़ गए, बोले जय हो। लोग हमसे कहते हैं कि चमत्कार क्या होता है, हम कहते पहले हमारे गुरुजी से निपट लो, बचियो सो हमें मिलियो कौन है मैं, पर हम ठटरी बार भी। पहली बात तो गुरुदेव भगवान से बचोगे ही नहीं, बच जाओगे सो इंतजाम पर्याप्त है। तो ये वर्तमान में समूचे भारत के लिए यहां का गौरव है, पूरी दुनिया का गौरव है कि हम सबको परमात्मा ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी निधि, एक ऐसा कोहिनूर परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के रूप में दिया है कि आज हम लोग उनके काल में जी रहे हैं। कभी ये हम लोग चर्चा करेंगे कि परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सदियों तक पीढ़ियों तक चर्चा चलेगी, और जब हरिहर तीर्थ बनेगा तो हमारे गुरु भाई पाठक जी के साथ साथ गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ये समूचा मध्य प्रदेश भी राममय दिखाई पड़ेगा।